से जो लेक्चर बने हैं मेरे स्लाइड पर ही हो गया करना चाहिए ठीक है और लेकिन उसके अंदर मैंने सारा मटेरियल डाला तो कुछ बना सकता थोड़ा बहुत तो आज का काम देखिए देर भी करनी लगे आज इस मॉडल में सिंपल ओके ऑलराइट वी सॉ दिस ओके व्हाट्स दिस उसके बाद में ये लगा कि हमें कि कहाँ पर ये फायदा रहती है कहाँ पर ये फायदा ठीक है उसके बाद हम यहाँ पर मुख्य है हमने रीचेबिलिटी प्रॉब्लम को डिस्कस किया था हाँ रीचेबिलिटी प्रॉब्लम में हमने देखा था कि हमारे पास हमने ये एल्गोरिथम सेट किया राइट और एक्सप्लोर क्या करता है बस दी आउटपुट ऑफ एक्सप्लोर सबको क्या करता है पहला कंपोनेंट जिस पर चलेगा एक्सप्लोर होगा उससे दिस कंपोनेंट में लाया करता है वो कंपोनेंट पूरा का पूरा एक्सप्लोर होगा ओके तो ये एक्सप्लोर एक्सप्लोर ठीक है उसके बाद हमने इसलिए प्री पोस्ट की बात की थी प्री पोस्ट एक्चुअली क्या करता है प्री पोस्ट उसका क्लॉक पे बता देता है कि ये कब डिस्कवर होने के लिए आया था और कब इसके नीचे वाली सारी भी प्री वो डिस्कवर हो रही है नाउ आई एम वेरी हां नीचे वाली ना नीचे नीचे ऊपर जो भी लेवल होती है ठीक है फिर हमने डीएफएस की बात की डीएफएस सेक्शन का इसको मार्क कर देता है और मार्क करने के बाद क्या करना है या अगर वो विजिट नहीं है तो उसको ठीक है और फिर इसकी हमने कुछ वेरिएशन देखी थी वो क्या है हमने डीएफएस हमने अनडाइटेड ग्राफ के ऊपर किया था कि वो ऐसे एक्सप्लोर करता है ठीक है और फिर हमने यही चीज जाके देखी थी और फिर हमने क्या किया था कंपोनेंट्स डिस्कवर ठीक है कंपोनेंट्स डिस्कवर कैसे करता है कि वो प्री विजिट टाइम पर जाकर वो शायद नोट कर लेता है कि कौन सा कारण सफल न कर सकता ठीक है थैंक यू फिर हमने इसी को डायरेक्ट ग्राफ को हमने सॉरी डीएफएस को अनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट ग्राफ के लिए रन किया और हमने देखा कि इस तरह से हमें एक्सप्लोर का रिजल्ट हमें कुछ तक मिलता है ठीक है और फिर हमने क्या किया था हमने कुछ और डेफिनेशंस की थी हमने कहा था कि हमने बैक एज क्या होती है फॉरवर्ड एज क्या होती है और क्रॉस एज क्या होती है ठीक है हमने इसी को देखते हुए एक और प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि अगर हमने साइकिल डिटेक्ट करना हो तो वो कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं बैक एज से ठीक है तो द मोमेंट यू सी ए बैक एज इट्स अ साइकिल ओके ऑलराइट उसके बाद हमने देखा कि ये हमें एग्जांपल थी कि फॉरवर्ड की सारी एजेस का की होती हैं फिर हमने मूव किया डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ पे ठीक है वो डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ कौन सा ग्राफ होता है साइकिल नहीं होता बैक एज नहीं होती ठीक है और हमने देखा था कि देयर आर सो मेनी सिनेरियोस जहां पर इस तरह के ग्राफ आ सकते हैं ठीक है जहां पर भी डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही हो वहां पर हमें डिपेंडेंसी बेस्ड कनेक्शंस हो उनको अगर हम सबके ऊपर हमें हम ग्राफ टाइप चीजें फॉलो ठीक है एक्चुअली डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ मॉडल किया जा सकता है ठीक है ऑलराइट ये हमने कुछ एग्जांपल देखी थी हमने हमने प्री रिक्वायर्ड ग्राफ बनाया था अपनी डिग्री का ठीक है और भी हमने दो तीन एग्जांपल देखे उसके बाद हमने कहा कि भाई हमें एक फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ मिला हुआ है तो उसके अंदर क्या होता है हमेशा एक सोर्स वर्टेक्स होता है और एक सिंक वर्टेक्स होता है ठीक है और अगर ऐसा ना हो तो हमने डिस्कवर किया था कि उसके अंदर साइकिल और साइकिल तो होना नहीं चाहिए उसके अंदर तो बाय डेफिनेशन कंडीशन ठीक है डज इट मेक सेंस ऑलराइट ये हो गया सोर्स एंड सिंक उसके बाद हमारा सवाल ये था कि हमने सोर्स सिंक फिगर आउट कैसे करना है कि कैसे निकलेंगे और हमने कैसे किया था
सोर्स को हमने फिल आउट करने का मानव तरीका ये था कि हम क्या करें मैट्रिक्स में गो थ्रू करते हैं और हम उसका जी पहले हमने जो तरीका देखा था वो ये था कि हम एफिशिएंसी मैट्रिक्स और जिसके थ्रू क्या डायरेक्टली कर सकते हैं और वो हमने देखा था कि सोर्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी तरफ पूरी एक आ रही हो ठीक है और फिर हमने देखा था कि सेट के लिए क्या करेंगे लेकिन ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें मैट्रिक्स को डिवाइड करना पड़ेगा जो कि कॉम्प्लेक्सिटी वी टाइम वी प्लस ई हो जाती है ठीक है विच इज नॉट नाइस ठीक है अगर हमने सारे सोर्स सोर्सिंग पर क्या ये हमने डिस्कस किया फिर हमने कहा था कि ये चीज एक्चुअली एक और बड़े मजेदार तरीके से हो सकती है वो कैसे थी कि अगर हम DFS कॉल करें तो DFS कॉल करने पे हमेशा जो मैक्सिमम पोस्ट आता है वो सोर्स वर्टेक्स कॉल है ठीक है एंड दैट गेव अस अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रू ठीक है एंड सॉल्व दिस वेरी इंटरेस्टिंग टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग प्रॉब्लम ठीक है टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग वाला प्रॉब्लम क्या था कि हमें एक सिनेरियो मिला हुआ है इस सिनेरियो को हमने सॉल्व करना है और इसमें डिपेंडेंसी साथ साथ है और डिपेंडेंसी का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप शूज पहले नहीं पहन सकते सॉक्स से सॉक्स आपको पहले पहनना पड़ेगा फिर आपको सॉक्स पहनना पड़ेगा डज इट मेक सेंस और इसी तरह आप आपको फोर बेल्ट जो है वो आप पहले नहीं पहन सकते ठीक है एंड सो ऑन सो डज इट मेक सेंस तो क्वेश्चन ये है कि इसका से सॉल्यूशन निकाल दो एंड वी फिगर्ड दिस आउट कि दिस इज एक्चुअली दिस ग्राफ अगर किसी इस डिपेंडेंसी बेस के कॉरस्पॉन्डिंग हम ग्राफ बनाए जिसमें हर टास्क जो है वो एक वर्टेक्स बनता है और जो एज जो है वो डिपेंडेंसी है ठीक है तो इस ग्राफ के अंदर क्या नहीं होना चाहिए साइकिल नहीं होना चाहिए एक्चुअली दिस मस्ट बी ए डैश ठीक है ऑलराइट और फिर हमने कहा था कि हाँ भाई इसको एक बड़े मजेदार तरीके से सॉल्व किया जा सकता है हमने पहले इसका आइडिया देखा कि हम क्या करते हैं हम एक्चुअली सोर्स हमें सोर्स निकालते हैं जो भी सोर्स निकलेगा वो हम उससे पहले करें और फिर उसको डिलीट करते हैं ठीक है और फिर हम दोबारा दूसरा सोर्स देते हैं ठीक है लेकिन ये एल्गोरिथम तो बहुत कॉस्टली हो सकता है और फिर हमने इसका एफिशिएंट एल्गोरिथम देखा था और इसका जो क्या करता था कि हम क्या करते हैं हम इसकी DFS कराते हैं DFS ऑर्डरिंग करने के बाद हम पोस्ट ऑर्डर पे इसको सॉर्ट करते हैं ठीक है और पोस्ट ऑर्डर पे सॉर्ट करने से जो सबसे मजेदार चीज हमें पता लगती है कि इस ग्राफ में सारी की सारी एजेस फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रही ठीक है मेक सेंस व्हिच मींस कि यहां से आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो इसकी डिपेंडेंसी जो है वो बाद में ही हो सकती है ठीक है ऑलराइट एंड दैट gave us immediately the algorithm of topological sort. ठीक है? Does it make sense? तो अब इस order में इसको इस अपने जो भी task करना चाह रहे हैं वो बताओ. Make sense? जी. So that's a very very simple algorithm जो हमने discover किया कि हम क्या करते हैं? Call DFS. जैसे किसी का finish time बनता है, हम क्या करते हैं उसको link list के front पर चढ़ाते हैं. ठीक है डज इट मेक सेंस फ्रंट पे इंसर्ट करने से क्या हुआ कि वो जो सबसे पहले जिसकी डिस्कवरी कंप्लीट हो गई ठीक है वो सबसे एंड में चला जाएगा ठीक है हमेशा इंसर्शन के लिए ऐड हेल्प करो डज इट मेक सेंस तो इस तरह करने से हमें सबसे इस पूरी लिस्ट से सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट पड़ा जो कि क्या हुआ होगा जो सोर्स होगा मेक सेंस ठीक है ये हमने टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग के बारे में ठीक है उसके बाद हमने जो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा था वो ये था कि हमारे पास जो कनेक्टेडनेस है कनेक्टेडनेस डायरेक्टेड ग्राफ में और अनडायरेक्टेड ग्राफ में उनका मतलब क्या होता है ठीक है अनडायरेक्टेड ग्राफ में अगर ग्राफ कनेक्टेड है तो U से V पर पाथ एग्जिस्ट करेगा और इसका मतलब ये भी है कि V से U पर पाथ एग्जिस्ट करेगा ये बात समझ If U or V can, U or V, कोई भी दो वर्ड अगर U V edge होगी तो V U edge भी होगी इसका U से V path अगर होगा तो of course वही path उलट में V से U की तरफ भी होगा Make sense? ये था कि अगर हमारे पास connectivity की बात करें हम undirected DFS है कहीं
रिसर्च, ठीक है। अगला सवाल हमने देखा था क्या डायरेक्टेड के केस में ये चीज वैलिड होती है? इट इज वैलिड नहीं होती। वजह possible, it is not, it is possible, yeah, but it may not be possible. Use a V per edge or, और इसका मतलब है कि V से फिर नहीं है, make sense, ठीक है? तो इसका मतलब है कि connectedness, directed graph में और ordinary graph में एक जैसी नहीं होती, ठीक है? Does it make sense? Alright, उसके बाद हमने क्या किया था कि इसी को आगे extend करते हुए हमने एक चीज डिफाइन की थी जिसका नाम था स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट। ओके, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है? स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट इज ए ग्राफ, इन डायरेक्टेड ग्राफ देयर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट। ए ग्राफ विल बी कॉल्ड स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट अगर अगर U से V पर पाथ एग्जिस्ट करता है तो V से U पे भी पाथ एग्जिस्ट करता है। ओके, ऐसे ग्राफ को हम कहेंगे कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट है। क्या अगर हम कहते हैं कि U से V पे पाथ एग्जिस्ट करता है तो V से U भी पाथ एग्जिस्ट करता है। डायरेक्टेड पाथ का मतलब एज की मैं बात नहीं कर रहा, पाथ की बात कर रहा हूं। पाथ का मतलब देयर शुड बी मल्टीपल वर्टिसेस इन बिटवीन। हां ओके, और ऑफ कोर्स ये डायरेक्शन है, ठीक है। और यहां पर और ऐसा सही है। तो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? अगर U से V पाथ एग्जिस्ट करता है तो V से U भी पाथ एग्जिस्ट करता है। ओके, शॉर्ट लाइन में नहीं कोई भी नोड नहीं। मैं यहां से भी देख लू, अगर यहां से ये वाला वर्टेक्स दे दो तो ये देखो यहां से यहां पे गए, यहां से यहां पे गए, यहां सर इसी एग्जांपल में देखा सी को एफ और एफ की करेक्ट है। सी से एफ और एफ से सी, ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड तो हम इधर देखो जी से मैं अगर जी से एल दे तो क्या ये जी से एल पाथ से जाता है? पाथ जाता है तो क्या एल से जी पे पाथ जाता है? जाता है। तो अगर इस तरह का मतलब जी से एल पे ना जाता और सिर्फ सी से एल पे सी हो तो पूरा कंपोनेंट ही स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हो। किसी को एक जो एक ग्राफ अगर हमारा ये पूरा ग्राफ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट होगा एक तो वो कनेक्टेड हो और दूसरी बात ये कि अगर इसमें U से V पे पाथ एग्जिस्ट करता है तो V से U पे भी पाथ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? ऑलराइट, अच्छा ये हमने कहा था स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट का, ठीक है। स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट से आगे जब हम चले थे बड़े के अगर हमें कोई भी डायरेक्टेड ग्राफ मिला हुआ है और हमने फिगर आउट करना है इस डायरेक्टेड ग्राफ में कितने स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं तो वो हम कैसे निकालेंगे? ओके, यार सदी ये लोग